अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा। तो मैंने एक कप शक्कर ली हूँ, मैं डाल दूँगी इसमें। और यही कप से मैं एक ही मेजरमेंट रखना है हमें, यही कप से मैं दो कप डालूँगी पानी। गैस चालू कर दी हूँ मैंने, इसमें मैं डालूँगी पानी एक कप, ये दो कप पानी ले लेंगे। खाली शक्कर को चाशनी नहीं बनाने का है, खाली शक्कर को घोल लेंगे अच्छे से। एक उबाल आए तक, एक उबाल आ गया है, अभी मैं इसको रख दूंगी साइड में। इसके ऊपर रखूंगी एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैं डालूंगी यही कप से हर चीज़, एक ही मेजरमेंट लेना है। एक कप आटा डालूंगी और उसको अच्छे से भून लूंगी। गेहूं का आटा है ये, इसको अच्छे से भून लेंगे। आटा अच्छे से भून चुका है, खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अभी मैं उसमें डालूंगी एक कप घी। घी डाल के भी इसको अच्छे से भून लेंगे आटे को। अच्छे से भूनना है हमें, जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता तब तक भूनेंगे। देखिए एकदम ब्राउन हो गया है, अच्छे से भून ली मैंने। अभी मैं उसमें डालूंगी शक्कर का पानी, एकदम संभाल के डालेंगे, अच्छे से पका लेंगे इसको भी। देख सकते हैं इस तरीके से करना है, बनाना है हमें आटे का हलवा। बहुत अच्छा रहता है ये, आप लोग भी बनाओ, कमेंट में मुझे बताओ कि कैसा बना आटे का हलवा। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरी वीडियो। हमारा हलवा बन चुका है, मैं इसको ऐसा साइड में करूँगी। और एक्स्ट्रा घी नहीं डालना है हमें, इसमें घी है। अभी मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और किशमिश। अच्छे से सेक लूंगी। मिक्स कर लेंगे।